देव बलाश्रय होता है, देवताओं का बल, देवताओं को प्रसन्न करने कोई, इंद्र को, वरुण को, कुबेर को, और उनके बल के अहंकार में रहे, तो ये भी अन्य आश्रय हो गया। ये मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानी हैं। कामैस तैस तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवताः। गीता। कामनाओं के गुलाम होने के कारण लोग हृतज्ञाना, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, ऐसे लोग अनेक देवताओं को प्रपन्न होते हैं, शरणागत होते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनका अवलंब लेते हैं। और अगर सही सही अवलंब है तो वो देवता लोग फल देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वो कल्पना है, फैक्ट है। लेकिन वो देवता लोग ही निरवलंब है, आपका अवलंब क्या बनेंगे बेचारे, वो भी माया के दास है। जब तक माया के अंदर में जीव है तब तक वही स्वयं निरवलंब है, कोई ठिकाना नहीं उसका, न उसके मन का, न उसके शरीर का, किसी चीज का उसका ठिकाना ही नहीं है कब तक रहेगा, तो अवलंब क्या होगा। तो देवताओं का अवलंब कोई ले भी ले तो यान्ति देवव्रता देवान पितरीन, यान्ति पितृव्रता भूतान, यान्ति भूतेज्या, जिसका जो अवलंब लेगा उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बड़ी कृपा करेगा। आप किसी भिखारी की शरण में जाइए और बड़ा दयालु हो और कहे मैं तुम पर कृपा करता हूं, जो कुछ मेरे पास है मेरा सर्वस्व ले लो। उसका झोला ले लिया, उसने झोला देखा तो उसमें कुल 5 पैसे का सिक्का था। जिसके पास जो है वही तो देगा। वो बेचारे देवता लोग स्वयं भिख मंगे हैं, वो आपको क्या निहाल करेंगे, उनका अपने ठिकाना नहीं है। तो देवताओं की भक्ति करने वाले घोर मूर्ख हैं। हम जो भक्ति करते हैं देवताओं की, यज्ञ वगैरह, वो तो भगवान के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, हेड ऑफिस में, लेकिन हमको फल भगवान का नहीं मिलता, उस देवता का मिलता है। यजन त्यविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी भक्ति कर रहा है लेकिन मेरे फल से वंचित है।